राजनीतिर एक गुरुत्वपूर्ण खबर एबार ए आई यू डि एफे पुनः आक्रमण करिछे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार लगते मंतव्य करिले जे हिमंत विश्व शर्माय अहोमर कांग्रेसर सरकार अहातो बिचारिछे जार बाबे मस्जिद और मुसलमानर ऊपर आक्रमण करि कांग्रेसक सहाय करिछे बुली एबार मंतव्य करिछे बदरुद्दीन आजमले और ए मुहूर्त जानाइछे डांगर खबर तो पुनः शक्तिशाली हो राजनीति उभतिब आजमल ए आई यू डि एफ पूर्वतक शक्तिशाली हम ए आई यू डि एफ और आजमल एतियाओ शेष हो जा ना ए आई यू डि एफ मंतव्य कर बदरुद्दीन आजमले भारत शक्तिशाली हो उठ ए आई यू डि एफ निर्वाचन पराजयर कारण मंथन कर पुनरुद्धार कर आई यू डि एफ ए आई यू डि एफक देशजुरी शक्तिशाली कर हूंकार प्रदान कर बदरुद्दीन आजमले मुसलमान विरोधी नीतिरे कांग्रेसक सहाय करिछे मुख्यमंत्री कांग्रेसक सहाय करार अभियोग उत्थापन करिछे मुख्यमंत्रीर विरुद्धे मुसलमानक उच्छेद आजान नामाज बंध करि कांग्रेसक लाभान्वित करिछे मुख्यमंत्री गराकिये कांग्रेस पुनर शासनलै अहातु बिचारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्माय मुसलमानक जिमान उच्छेद करिछे सिमान मुसलमान कांग्रेसलै गैछे इस्लाम विरोधी नीतिये मुसलमान समाजर सन्त्रास सृष्टि करिछे मुख्यमंत्री मुसलमानक जिमान भय खुआबो सिमानै कांग्रेसर लाभ हबो आरु ए मन्तव्य आजमलर भय खुआइ मुसलमानक कांग्रेसलै खेदिछे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार नीतिक समालोचना करि हरप बदरुद्दीन आजमल आरु अधिक शक्तिशाली हुआर कथा उल्लेख करिछे पुनर শাসনলৈ আহিব বদরুদ্দিন আজমল পুনৰ শক্তিশালী হ'ব এ আই ইউ ডি এফ আৰু লগতে মন্তব্য কৰিছে যে এ আই ইউ ডি এফৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক আছিল কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ ফালৰ পৰা কালিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিল যে বদরুদ্দিন আজমলে পদত্যাগ কৰিছে আৰু নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকত পুনৰ হয়তো সভাপতি হ'ব এ আই ইউ ডি এফৰ বদরুদ্দিন আজমল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ জনাইছে যে এ আই ইউ ডি এফক পুনৰ উত্থান হ'ব পুনৰ শক্তিশালী হ'ব এ আই ইউ ডি এফ केवल नग्र भारत ए आई यू डि एफ शक्तिशाली हर कथा उल्लेख करते कांग्रेसक सहाय कर मुख्यमंत्री मुसलमानक अत्याचार कर उच्छेद कर आजान बंध कर कांग्रेसक सहाय कर अभियोग उत्थन कर मुख्यमंत्री विरुद्धे आम एबार पुने पुने बदरुद्दीन आजमल विशेष मंत्य अपने देखा चेस्ा कर इंशाअल्लाह यू डी एफ वापस आएगा यू डी एफ और मजबूती के साथ आएगा और अल्लाह ने चाहा तो आसाम की राजनीति में नहीं पूरे भारतवर्ष की राजनीति में हम लोग फिर वापस जिंदा है और जिंदा रहेंगे। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने मदद की इस मामले में डायरेक्ट कांग्रेस की मदद की इसलिए ताली बजा रहे कि यूडीएफ खत्म हो गया यूडीएफ आपके सामने जिंदा है इंशाअल्लाह यूडीएफ वापस आएगा यूडीएफ और मजबूती के साथ आएगा और अल्लाह ने चाहा तो आसाम की राजनीति में नहीं पूरे भारतवर्ष की राजनीति में हम लोग फिर वापस जिंदा है और जिंदा रहेंगे। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने मदद की इस मामले में डायरेक्ट कांग्रेस की मदद की इसलिए वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस वापस पावर में आए तो हेमंत विश्व शर्मा साहब की जान बच जाए। जितना काम एक मिनट जितना काम मुस्लिम विरोधी किया चीफ मिनिस्टर ने उच्छेद हमने उनको हाथ जोड़ के कहा जितना उच्छेद कर रहे हो मुस्लिम कांग्रेस की झोली में जा रहा है। जितना मुस्लिम विरोधी आप बयान दे रहे हो अजान के खिलाफ नमाज के खिलाफ मुस्लिम मैरिज के खिलाफ ये सारी चीजें हाँ गुरु खाने के खिलाफ और ये सारी चीजें लोगों को डर और भय पैदा कर रहा है। जाएंगे कहाँ हमारे हाथ में पावर नहीं है उन्होंने इनडायरेक्ट धक्का मार मार के लोगों को कांग्रेस के बाद